नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का जो पेपर सेकंड होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, या जिसे हम शॉर्ट में सीसेट भी बोलते हैं, उसमें आए एक गद्यांश के ऊपर चर्चा करेंगे या उसके मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे, उसके संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये किसी टॉपिक पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं काम आने वाला है, बल्कि इसमें हम एक जनरल परस्पेक्टिव से मैसेज को या संदेश को लेने की कोशिश करेंगे, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के सी सेट में आया था। बड़ा ही प्यारा पैसेज था। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया होगा और इस पैसेज को डील किया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इतना बता दूं कि ये जो मैंने लाइन उठाई है ये उसी पैसेज से उठाई है, और जो हम समझेंगे वो आपके ऐसे में काम आ सकता है और एथिक्स के पेपर में भी काम आ सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि जनरल पर्सपेक्टिव से समझेंगे तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं आएगा। असल में मैं आपको बता दूं कि सारे एग्जामिनेशन का, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं, उन सारे एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आपका एक जनरल पर्सपेक्टिव खड़ा किया जाए। तभी तो उनका नाम होता है जनरल स्टडी पेपर 1 GS। एक जनरल पर्सपेक्टिव किसको लेके? लाइफ को लेके। खासतौर पे अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात करें तो वो पूरा डिजाइन ही इसीलिए किया गया है कि लाइफ को लेके एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो सके। परंतु अभी कुछ सालों से ये देखने को मिल रहा है कि स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन भी, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो या राजस्थान हो, उन्होंने भी एक जनरल पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखने के रिगार्डिंग, मतलब उस हिसाब से अब क्वेश्चंस को डालना शुरू कर दिया है, और अब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में भी देखने को हमें मिलते हैं। उसी में से एक ये बड़ा प्यारा ही पैसेज था जो मैंने वहां से उठाया, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो उसका टाइटल तो नहीं था, टाइटल मैंने दिया है कि मानव समाज स्वार्थी अवश्य है पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता, ठीक है। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ें। उससे पहले एक मैं लियोनार्डो डा विंची का एक कोट है जिसको मैं सुनाना चाहूंगा कि हमें क्यों कभी कभार चीजों को समझना चाहिए। बड़ा ही प्यारा कोट है उनका। उन्होंने कहा था एक बार कि असली खुशी का अनुभव करने के लिए चीजों को समझना शुरू कर दीजिए, है ना। अभी तक हम क्या पढ़ते हैं? पढ़ना भी चाहिए क्योंकि एग्जाम भी हमें पास करना है। हम फैक्ट पढ़ते हैं, है ना, उसको रट्टा मारते हैं और एग्जाम में बैठते हैं, निकालते हैं। अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये तो नॉलेज हो गया, ठीक है, ये नॉलेज हो गया। इसके आगे भी एक लेवल होता है, इसे बोलते हैं विजडम, राइट। तो नॉलेज और विजडम, इनका कनेक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि नॉलेज के दम पे ही, या नॉलेज को यूटिलाइज करके हम अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हैं, या हम अपनी विजडम को डेवलप करते हैं। नॉलेज आपको क्या देगा? इंफॉर्मेशन देगा। नॉलेज क्या है बेसिकली? नॉलेज बेसिकली इंफॉर्मेशन है, राइट। तो ये आपको क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन असली जो काम होगा वो विजडम का होगा। कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ, हालांकि ये हमारा एस्पेक्ट नहीं था आज के इसका डिस्कस करने का, फिर भी चलो देख लेते हैं जल्दी से। नॉलेज जो है वो इंफॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन आपको क्या देगी? जानकारी देगी, बताएगी आपको कि चीज क्या है, कैसे है, लेकिन सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स, क्या सही है क्या गलत है, इसके निर्णय पे पहुंचना है तो आपको विजडम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं, एक्सपीरियंस आता है, है ना, नॉलेज आता है, ये सब फैक्टर्स में आते हैं, ठीक। तो नॉलेज आवश्यक है पर विजडम भी जरूरी है, और लियोनार्डो डा विंची ने कहा भी है कि अगर असली आपको खुशी पानी है तो चीजों को समझना शुरू कर दीजिए। तो उसी उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम इस वाले वीडियो में इसी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। गद्यांश ये था कि इस संसार में धनी सब कुछ नहीं है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिन्होंने अर्थार्जन के स्थान पर कर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया, उनकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। बताइए, बिल्कुल सही बात है, धनी सब कुछ नहीं है, है ना। हमें इस गद्यांश से क्या संदेश मिल रहा है उसको हमें, इसको लेने की कोशिश करनी है पूरी, जो कि हमारे लाइफ में भी काम आए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे और एथिक्स में भी काम आए। अभी कह रहे हैं धन सब कुछ नहीं, पर धन कुछ तो हो सकता है। हाँ, कुछ हो सकता है, यहां तक सही है। कुछ में क्या आएगा? आपका जीविका अर्जन कितना आ सकता है, ठीक है, जीविका अर्जन आ सकता है,
अभी आगे देखेंगे कि कैसे सब कुछ नहीं है। ठीक, तो धन सब कुछ नहीं है। संसार का इतिहास उठा के देख लीजिए, आप देख लीजिए किसी को भी, एंशियंट से देख लीजिए, आप चाणक्य से देख लीजिए। आज हम चाणक्य को पूजते हैं, पढ़ते हैं, है ना। धनान को कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पूछता है। एंशियंट से लेकर आधुनिक तक आ जाइए, हम गांधी को पूछते हैं, हम शेखर को पूछते हैं, राइट, हम कलाम साहब को पूछते हैं। अंग्रेज गए, अंग्रेजों में बहुत महान महान लोग आए, मतलब जिनको वो लोग कहते हैं कि महान है, जबकि दुनिया तो नहीं पूजा करती, दुनिया गांधी की पूजा करती है। ठीक, तो वही ये कह रहे हैं कि उदाहरण आप ढूंढ ढूंढ कर निकाल लीजिए। तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप पूरे विश्व के उदाहरण ले सकते हैं, आप मंडेला का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अर्थार्जन के स्थान पर कर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया, उनकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, ये तो हम करते ही हैं। और उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। तो ये बेसिकली ये क्या बता रही है? यही बता रहे हैं कि मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। तो अगर इस तरीके से कोई ऐसे आता है इस थीम पे, तो लिखना यही है जो गद्यांश आ चुका है एक बार। ठीक है, तो जितने भी हम जितने भी लोगों को आइडल समझते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उन सब में एक चीज कॉमन होगी, और वो चीज कौन सी कॉमन थी? कि उन्होंने अपना समय कहाँ नहीं बिताया है? रुपया कमाने में नहीं बिताया था, बल्कि कुछ ऐसे काम किए थे जो रुपयों से ज्यादा मूल्यवान है। ठीक है, तो जिन लोगों ने के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा जो है वो प्रतिष्ठा कम हुई, और अधिकांश अवस्था में तो उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। बिल्कुल सही बात है ना, तो केवल रुपया बटोरना जो है वो सही नहीं है, पैसेज ये कहना चाह रहा है। क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, और अगर रुपया बटोरने वालों किसी एक को भी पूजा जाता हो तो आप उसका नाम बता सकते हैं ना, मतलब कॉमनली यूनिवर्सली पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं होगा, है ना। तो मानव समाज वो कह रहा है स्वार्थी अवश्य है, पर वो स्वार्थ की उपासना नहीं करना जानता। बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है। और अंत में वही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सच्ची मनुष्यता का परिचय दिया है। करेक्ट है, याद। तो ये पैसेज यही आपको बता रहा है, बहुत ही प्यारा पैसेज था प्रीलिम्स 2022 का, जिसमें आपको ये संदेश मिलता है कि कुछ ऊंचा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ श्रेष्ठ करिए, है ना। ये सब कुछ नहीं है, यहाँ लिखा है सब कुछ, है ना, सब कुछ की बात करिए, ये तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमें करना है कुछ के लिए करना है केवल, लेकिन उसमें इतना नहीं डूब जाना है कि जो श्रेष्ठ काम है, जो ऊंचे काम है, उनकी तरफ हम ध्यान ना दे पाए। करेक्ट है, यहाँ तक बात। तो ये था पैसेज मैंने जो आपको पहुंचाया, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन भी किए होंगे इसके, है ना। लेकिन मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि इस पैसेज पर चर्चा की जाए, आप लोगों तक पहुंचाया जाए, आज मुझे मौका मिला। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, एंड थैंक यू सो मच यहां तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।